बावले एक दिन सब मिट जाना है। अपना तूने सजाया सच्चाई जीवन की कड़वी बहुत है तू ये समझ ना पाया। कितने जतन से कितनी लगन से जग अपना तूने सजाया सच्चाई जीवन की कड़वी बहुत है। मन की चंचलता का अनुभव किसको नहीं है। हर आदमी की ये शिकायत है कि मन बहुत चंचल है। लेकिन बहुत थोड़े लोग इस बात पर विचार करते हैं कि मन चंचल क्यों है। मन को चंचल किसने बनाया और मन किस लिए चंचल है। मन की चंचलता किसे कहते हैं। ये बातें सोचने की और विचारने की है। लोग कहते हैं कि हम ध्यान साधना में बैठते हैं तो मन बिल्कुल ठहरता नहीं, तो भागता रहता है, चंचल बना रहता है। ये मन के भागने का और चंचल होने का कारण क्या है, लक्षण क्या है, सोचते रहना, कुछ न कुछ सोचते रहना, यही मन की चंचलता है और यही मन का भागना है। और मन का काम है वह है सोचना, मनन करना, चिंतन करना, विचार करना, लक्षण ही है मन का। तो सहज ढंग से हम समझ सकते हैं कि जिस समय जिसकी आवश्यकता न हो उस समय उस बात को सोचना, यही मन की चंचलता है। आप पुस्तक पढ़ने बैठे हैं और सोच रहे हैं दुकान की बात, तो आपके मन की चंचलता है, क्योंकि पुस्तक पढ़ते समय दुकान के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ ध्यान करने बैठे हैं, सोच रहे हैं घर की बात, तो घर की बात इस समय सोचने की क्या जरूरत है। और सोच भी लेंगे तो आपका फायदा क्या हो जाएगा। फायदा तो कुछ नहीं होगा, नुकसान होगा, क्योंकि बैठे हैं यहाँ सोच रहे हैं घर के बारे में,
तो यहाँ का काम तो हो नहीं पाएगा और घर का काम तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो जिस समय जिसकी आवश्यकता ना हो उस समय उस बात को सोचना यह मन की चंचलता है और हम ऐसा ही करते हैं, अनावश्यक बातों में अपने मन को उलझाए रखते हैं, असामयिक बातों में मन को उलझाए रखते हैं। कोई दूसरा हमें विवश नहीं करता है, हमें क्या सोचना है, क्या इसके लिए कोई दूसरा हमें विवश कर सकता है, हमें क्या करना है इसके लिए तो कोई विवश कर भी सकता है। हमारा मन कुछ और काम करने का, लेकिन हमारा बड़ा अधिकारी पिता या गुरु या कोई और कहते नहीं तुम्हें ये काम नहीं करना है, तुम्हें इस समय यही काम करना है। तो बाहर काम करने के लिए तो कोई हमें विवश कर सकता है, तुम्हें ये काम इस समय करना ही होगा, और विवश होकर हमें वह काम करना भी पड़ सकता है। लेकिन कोई हमें विवश नहीं कर सकता कि तुम्हें इस समय यह बात सोचना है। कोई ये जान भी नहीं सकता है कि इस समय या किस समय हम कौन बात सोच रहे हैं, कौन जानेगा। आप बैठे हैं, आपके बगल का व्यक्ति ये नहीं जान पाएगा कि आपका मन शांत है या आप कौन बात सोच रहे हैं। आप स्वयं नहीं जान पाएंगे कि मेरे आगे पीछे दाएं बाएं जो लोग बैठे हैं उनका मन शांत है या अशांत है या वे कौन बात सोच रहे हैं। जब पता ही नहीं चलेगा दूसरे को कि हम क्या सोच रहे हैं तो दूसरा हमें विवश कैसे कर सकता है कि हमें क्या सोचना है। हमारी अपनी मर्जी, हमारा अपना अधिकार, हमारा अपना चुनाव कि हमें क्या सोचना है, अब यही हम फेल हो जाते हैं। क्यों? आदत बिगड़ी हुई है। मन चंचल क्यों? मन को चंचल किसने बनाया है? हमने स्वयं ही बनाया है अपने मन को चंचल, कोई दूसरा इसमें जिम्मेदार नहीं है। न माता, न पिता, न पति, न पत्नी, न बेटा, न बेटी, न गुरु, न शिष्य। हमारे मन की चंचलता के लिए जिम्मेदार हम स्वयं हैं। गलत सोचकर, गलत बोलकर, गलत खाकर, गलत देखकर, गलत काम करके हमने अपने मन की आदत को बिगाड़ लिया है। हमारी जिम्मेदारी है और यदि परेशानी है मन की चंचलता से तो आप गलत सोचना, गलत बोलना, गलत देखना, गलत सुनना, गलत करना बंद क्यों नहीं करते? कौन सी मजबूरी है गलत देखने के लिए? कौन सी मजबूरी है गलत सोचने के लिए? कौन सी मजबूरी है गलत सुनने के लिए, गलत करने के लिए? अच्छी बात सोचें, अच्छी बात बोलें, अच्छी बात सुने, अच्छा काम करें, इसमें तो आप स्वतंत्र हैं ना। काम में भले स्वतंत्र हैं लेकिन अच्छी बात बोलने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं। कह सकते हैं साहब हम तो काम और कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन विवश होकर हमें गलत काम करना पड़ता है। लेकिन क्या विवश होकर गलत बात भी बोलना पड़ता है? क्या विवश होकर गलत बात भी सुनना पड़ता है? इसमें कौन विवशता है?
अच्छा क्यों नहीं सोचते, अच्छा क्यों नहीं बोलते। कितने बिगाड़ी आपकी आदत, हम आपने स्वयं बिगाड़ ली है अपनी आदतों को। और शिकायत करते हैं कि मन चंचल है। मन का अपना कोई दोष नहीं है, दोष है हमारा अपना। मन स्वतंत्र नहीं है अपने आप में, स्वतंत्र हम हैं। अपने मन से हमें क्या काम लेना है यह हमारा निर्णय है, लेकिन हमने गलत जगह सुख की प्रतीति कर ली है, सुख की मान्यता बना ली है और जिंदगी भर हम सुख पाने के लिए उन वस्तुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं जो सारी की सारी वस्तुएं क्षणभंगुर और परिवर्तनशील है और जिनमें सुख कहीं है ही नहीं। क्या आप बताएंगे कि अमुक वस्तु में सुख है, अमुक वस्तु स्वभाव से सुखद है? जैसे पानी स्वभाव से शीतल, सबके लिए शीतल होता है पानी, किसी के लिए गर्म होता है, किसी के लिए ठंड होता है, ऐसा नहीं है। पानी सबके लिए शीतल और पानी पीने से सबकी प्यास बुझती है। आग सबके लिए गर्म होती है, किसी के लिए ठंडी होती है, किसी के लिए गर्म होती है। आग छूने से किसी का हाथ जलता है, किसी का हाथ नहीं जलता है, क्या ऐसा है? जो आग छुएगा उसका हाथ जलेगा। आग सबकी ठंडी को दूर करेगी, आग सबके लिए गर्म होगी। तो जैसे पानी का स्वभाव है शीतलता, वो सबके लिए शीतल होता है, जैसे आग का स्वभाव है उष्णता, वो सबके लिए गर्म होती है। क्या आप ऐसा बता सकते हैं कि दुनिया की अमुक चीज या दुनिया का अमुक भोग सबके लिए सुखद है, उसमें सब सुख मानते हैं? आप किसी का भी नाम नहीं ले सकते। एक व्यक्ति जो सोचता है अमुक चीज ना मिली तो जीवन बेकार, दूसरा सोचता है वो चीज मिल गई तो जीवन बेकार। एक जिसको पाने के लिए रात दिन तड़प रहा है, दूसरा उसे हटने के लिए तड़प रहा है। क्यों? वस्तुतः बाहर सुख की हमारी मान्यता होती है, सुख का आरोपण प्राणी और पदार्थों में हम स्वयं करते हैं। जहां हमने मान लिया मुख में सुख, वो सुख हमारा माना हुआ होता। हर आदमी को सुख चाहिए, क्योंकि हर आदमी दुख का अनुभव कर रहा है, दुख में जीवन जी रहा है। उस दुख से बचने के लिए हर आदमी सुख चाहता है, सुख पाना चाहता है। सुख पाना और सुख पाने की चेष्टा और आकांक्षा करना गलत नहीं है, लेकिन हम सुख की तलाश, सुख की खोज कर रहे हैं गलत जगह में, गलत वस्तुओं में। और जो चीज जहां है ही नहीं, वह चीज वहां मिलेगी कैसे? इसी बात गुरु कबीर ने कहा, जहां नहीं तहां सब कुछ जानी। जहां कुछ नहीं है, सुख का लेश नहीं है, वहां आदमी ने सब सुख मान लिया है। और इसलिए जहां नहीं तहां तन मन लाऊ,
जहाँ सुख का नाम नहीं है वहां आदमी तन मन से समर्पित हो रहा है। और मन चाहता क्या है? स्थायी सुख, शाश्वत सुख, और ऐसा सुख जो दुख में परिवर्तित ना हो, जिसका परिणाम दुखदायी ना हो। सोचें, ऐसा सुख जो शाश्वत हो, स्थायी हो, जिसका परिणाम दुखद ना हो, वह सुख कहाँ है? दुनिया का हर पदार्थ, दुनिया का हर प्राणी परिवर्तनशील, विनश्वर, और जो प्राणी पदार्थ स्वयं विनश्वर है, परिवर्तनशील है, उनसे मिलने वाला सुख एकरस और स्थायी कैसे होगा? कभी आपने विचारा इस बात पर? चाहते हैं एकरस सुख, चाहते हैं स्थायी और शाश्वत सुख, और पकड़ते हैं क्षणभंगुर प्राणी पदार्थों को, तो आपकी मांग कैसे पूरी होगी? मन इसीलिए चंचल है, मन की आदत इसीलिए बिगड़ गई है। कबीर साहब ने बीजक में कहा है, पुरता में राती है गैया, सेत सिंगी है भाई। बीजक का 28वां शब्द, जिसमें साहब ने शुरू में कहा है, भाई रे गैया एक बिरंच दियो है, गैया भार अभार भव भारी। बिरंच ने, विधाता ने, विधाता बिरंच प्रकृति के नियम, प्रकृति के नियमों ने मनुष्य को एक गाय दी है। वह गाय कौन? मनोवृत्ति। भार अभार भव भारी, ये भार है, अभार है, भारी महान है। यदि इस मनोवृत्ति का सही उपयोग करें, इसे सही जगह लगाएं, तो ये कल्याणकारिणी बन जाती है। और यदि हम इसका दुरुपयोग करें, इसे गलत जगह लगाएं, तो यही बंधनकारिणी बन जाती है। मनुष्य में मन की महान शक्ति है, मननात् मनुष्यः कहा गया, इसलिए मनन करने के कारण इस प्राणी को मनुष्य कहा गया। तो ये मन बहुत काम की चीज है, लेकिन कोई चीज कितना मूल्यवान क्यों ना हो, दुरुपयोग करने से वह दुखदायी ही होगी। हम वस्तुओं का या जो हमें शक्तियां प्राप्त है उनका दुरुपयोग करना ज्यादा जानते हैं। दुरुपयोग करने की कला में हम सब माहिर हैं, दुखी होने की कला में हम सब माहिर हैं, सदुपयोग करना नहीं आता। सुखी होना, सुख से जीना हमें नहीं आता है। तो मन चंचल क्यों? मन चाहता है पूर्णता, स्थायित्व, स्थिरता। कोई आदमी भूखा हो और भूख से परेशान, तो भूख से परेशान होकर के आदमी मिट्टी नहीं फांक लेगा, धूल नहीं फांक लेगा कि भूख से मर रहा हूं तो चलो लाग मिट्टी फांक लेता हूं, धूल फांक लेता हूं, पेट में कुछ तो चला जाए जीवित, तो जीवित रहूंगा। आदमी जानता है, चाहे जितनी भूख लगी हो, मिट्टी या धूल फांक लूंगा तो अंत में वो नुकसान ही करेगी, इसलिए वो मिट्टी या धूल नहीं फांकता। लेकिन मन की बात के लिए, आपके पास विचार करने के लिए अच्छा विषय नहीं है, तो आपका मन गलत विषय को जरूर सोचेगा।
और हम उन्हीं में ज्यादा हम आनंद हमें आता है। गलत विषयों को सोचने में हम ज्यादा आनंद मानते हैं। जरा सोचें, आज तक आप क्या सोचते आए हैं? काम बातना बारे में सोचते आए हैं, क्रोध के बारे में सोचते आए हैं, लोभ के बारे में सोचते आए हैं, मोह के बारे में सोचते आए हैं, राग द्वेष के बारे में सोचते आए हैं, कलह कल्पना लड़ाई झगड़ा हिंसा हत्या के बारे में सोचते आए हैं और शिकायत करते हैं मन बहुत चंचल, किसका दोष है? कभी निर्वासना के बारे में सोचा, उसके लिए काम किया? शांत होकर रहने में, सहन करके रहने में, मन को मार करके रहने में, प्रेम से, समता से, अहिंसा में जीने में सुख है, इसके बारे में कितना सोचा आपने? सुबह से शाम तक शरीर के बारे में कितना सोचते हैं, दुनिया के बारे में कितना सोचते हैं और अपने आत्मा के बारे में कितना सोचते हैं? ईमानदारी पूर्वक अपने को उत्तर दीजिए। सुबह 4 बजे नींद खुली तब से लेकर के रात में जब आप 10 बजे सोने गए, 18 घंटे का समय, इस 18 घंटे के समय में कितना समय आपने शरीर और संसार और प्राणी और पदार्थ के बारे में सोचा और कितना समय आपने आत्मा परमात्मा भजन ध्यान साधना के बारे में सोचता? ईमानदारी पूर्वक स्वयं विचार करें और स्वयं उत्तर दें अपने को, 0 नंबर आएगा। और शिकायत करते हैं मन चंचल, कौन दोषी है इसमें, कौन जिम्मेदार है? हम स्वयं जिम्मेदार हैं। मन को सही खुराक चाहिए, सही भोजन चाहिए, हम सही भोजन नहीं दे रहे हैं तो पूर्ता में राती है गैया खद अखद दही खाई। कबीर साहब कहते हैं ये मनोवृत्ति रूपी गाय पूर्णता प्राप्त करने में लगी हुई, पूर्णता में राती है, पूर्णता पूर्णता हमारी मनोवृत्ति हर समय चाहती पूर्णता पूर्णता पूर्णता, पूर्ण तृप्त, पूर्ण संतुष्ट, इसके लिए वो खाद्य अखाद्य ही खाई, खाद्य भी खा रही है और अखाद्य भी खा रही है, अखाद्य ज्यादा खा रही है। कुचिंतन में ज्यादा हम समय लग व्यतीत करते हैं, सुचिंतन में कहां समय व्यतीत करते हैं? तो मन चंचल क्यों? हमने गलत रास्ता दिया, गलत मार्ग दिया, गलत खुराक दिया, इसलिए अब चाहते हैं कि मन चंचल ना हो तो सही रास्ता दें, उसे सही खुराक दें, सही विषय दें। सोचने के लिए इतने सही विषय है, आप आत्मचिंतन के बारे में सोचते रहें, अपने आप में शुद्ध बुद्ध हूं निर्मल निर्विकार में सोचते रहें, प्रेम दया क्षमा गम संतोष इसके बारे में सोचते रहें, देखें मन में कितनी शांति रहेगी, कितना मन एकाग्र रहेगा, बढ़िया व्यवस्थित। लेकिन सोचते हैं शरीर संसार के बारे में तो क्या होगा? मन विकारी बनेगा और चंचल बनेगा। अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कस्मलम दुख कारणम, चिंतमात्मानंद रूपम यन मुक्ति कारणम। स्वामी शंकराचार्य कहते हैं अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा, अनात्म चिंतन करना बंद करो, अनाथ शरीर अनाथ, प्राणी पदार्थ अनाथ, मकान दुकान अनाथ, गुरुवाई गद्दी अनाथ, मान प्रतिष्ठा अनाथ, स्वर्ग नरक के बारे में सोचना सब अनाथ। अपने आप को छोड़कर जो कुछ है सब अनात्म है और अनात्म चिंतन में ही हमारा समय जा रहा है, अनमोल जीवन व्यतीत हो रहा है। स्वामी जी कहते हैं अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा, अनात्म चिंतन करना बंद करो। क्यों? कसमलम दुख कारणम, अनात्म चिंतन करना कसमल मूर्छा का कारण बनेगा, विकारों का कारण बनेगा, दुख का कारण बनेगा।
हम बेहोश हो जाते हैं, हम बेहोशी में जी रहे हैं, होश कहाँ है। और बेहोशी में जीने वाला आदमी अपने आप को समझ कैसे पाएगा। इसलिए अनात्म चिंतन का त्याग करें। चिंतमात्मा आनंद रूपम यन मुक्ति कारणम, चिंता करनी है, चिंतन करना है तो अपने आत्मा का चिंतन करें जो आनंद रूप है, और आत्मचिंतन करना मुक्ति का कारण है, मुक्ति का रास्ता है। आत्मचिंतन में मन को लगा करके रखें, जब सोचें सही बात सोचें, सकारात्मक सोचें, ज्ञान विवेक की बात सोचें, मन को ज्ञान विवेक विचार संयम साधना प्रेम भक्ति के सोचने में इतना लीन कर दें कि मन खाली न, मतलब उसके बाद अवकाश ही न मिले, फिर शिकायत बंद हो जाएगी कि मन चंचल है, रुकता नहीं है। जब से होश संभाला है हम लोगों ने, तब से क्या 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 काम किया है, एक ही काम किया है, मन को बिगाड़ने का। और क्या काम किया, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े बुद्धिमान हैं, और हमारी बुद्धिमानी हमारा ज्ञान इसमें है कि हम कैसे दुखी हों। क्या काम किया आज तक, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े इंजीनियर हैं, बड़े डॉक्टर हैं, बड़े वकील हैं, बड़े बाबा हैं, बड़े गुरु हैं, अपने को दुखी होने के अलावा आप तक आपने किया ही क्या, मन को बिगाड़ने के अलावा किया ही क्या है आज तक। इस चतुराई को, इस बुद्धिमानी विद्वता को, वकालत इंजीनियर सब को छोड़ दें, अब ये काम नहीं आने वाला है। सरल इंसान बने, साधक बने, विनम्र होकर के अपने आप को समझने का काम करें। मैंने शुरू की थी अपनी बात कि मन चंचल है, गलत खुराक पाकर, गलत विषय पाकर मन चंचल बना। और कुछ ऐसा भी कह सकते हैं आप कि चंचलता मन का स्वभाव है, आपका मन चंचल है इसलिए आप आदमी है। मन चंचल न होता ना तो जानवर होते हैं। जानवरों का मन चंचल नहीं है तो क्या उनमें विकास के उत्थान की संभावना है। आप आदमी है क्योंकि आपका मन चंचल है, अधिक प्राणवान है, तेजवान है, अधिक शक्तिवान है आपका मन। और जो शक्ति, जो चीज जितनी तेजवान होगी उसमें चंचलता होगी, उसमें गति होगी ही। आवश्यकता है उसको मोल्ड करने की, एक दिशा निर्देश करने की, सही दिशा। इसके लिए उदाहरण दिया जाता है, जैसे ताजी तुर्की घोड़े होते हैं, अरबी घोड़े बड़े तेज माने जाते हैं। अरबी घोड़े की सवारी का आनंद कुछ और होता है। अरबी घोड़ा है बड़ा तेज तर्रार, आपने उस घोड़े को साधा नहीं, सिखाया नहीं, घोड़े के साधने की कला आपको मालूम नहीं है। बिना सिखाए, बिना साधे, बिना लगाम लगाए आप अरबी घोड़े पर, तेज घोड़े पर बैठ गए, परिणाम क्या होगा, घोड़ा उठा करके पटक देगा, हाथ पे टूट जाएंगे आपके। तो दोष घोड़ा का है या दोष आपका है? दोष घोड़े का नहीं, वो तो तेज है ही। पहले आपको उस घोड़े को साधना होगा, सिखाना होगा, उस पर लगाम लगाइए और साथ कर सिखा करके आप फिर बैठिए, फिर घोड़े की सवारी का आनंद लीजिए, घोड़ा आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा।
और आप चाहते नहीं हैं, आप चाहते हैं कि हमें घोड़े को साधना ना पड़े बैठे, तो आप गधे की सवारी करो, उसको साधना नहीं पड़ेगा, बहुत बढ़िया। हमारा मन अरबी घोड़ा है, तेज घोड़ा है, हमने इसको साधा नहीं, इसलिए हमें उठा उठा कर ये पटकता रहता है, इसको साधना होगा। सेवा द्वारा, संयम द्वारा, स्वाध्याय द्वारा, भक्ति द्वारा, सत्संग द्वारा, सत्कर्मों द्वारा, अच्छे चिंतन द्वारा इसको साधना होगा। और ज्ञान विवेक का लगाम लगा करके इस पर सवारी करें तो ये आपका मन आपको मोक्ष धाम तक पहुंचा देगा। फिर इसकी सवारी का आनंद लीजिए। बिना मन के ज्ञान कैसे होगा, बिना मन के साधना कैसे होगी, बिना मन का बैराग कैसे करोगे? ज्ञान द्वारा, भक्ति द्वारा, संयम द्वारा को साधना होगा। मन बहुत काम की चीज है, नहीं साधे तो बंधन का कारण, साध लिए तो मुक्ति का कारण। मन ए मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षियो, ये बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। सदुपयोग कर लिए, साध लिए, मोक्ष धाम में पहुंचाएगा। न सदुपयोग किए, दुरुपयोग किए, नहीं साधे तो नरक में पहुंचाएगा। नरक में तो जी ही रहे हैं हम सब, नरक का अनुभव बहुत कर चुके हैं, स्वर्ग का अनुभव करना चाहते हैं, मोक्ष का अनुभव करना चाहते हैं, तो अब मन पर लगाम लगाएं, इसे साधना शुरू करें, सिखाना शुरू करें, पढ़ाना शुरू करें, फिर देखें इसका ये मन कितना आनंद का कारण बनेगा, कितनी प्रसन्नता का कारण बन जाएगा ये मन। तो मन चंचल है क्यों? शांत चित्त पर विचारिए। और क्या मन की चंचलता सचमुच में दुख का कारण है? इस पर विचारिए। मन चंचल के पर विचारेंगे शांत चित्त होकर के तो बात समझ में आएगी। जिन जिन कारणों से मन चंचल है उन उन कारणों को छोड़ते चले जाएं, उन उन कार्यों को, उन उन चिंतनों को, ऐसे खान पान को छोड़ते चले जाएं। और जिन जिन कारणों से, साधनों से, चिंतनों से मन संयमित हो उन उन कारणों को अपनाते चले जाएं। बस शिकायत दूर हो जाएगी। दूसरी बात, जैसे तरंगायित पानी में हमें अपना प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसे ही तरंगायित मन में, चंचल मन में आत्मानुभव नहीं होगा, आत्मानुभूति नहीं होगी। जैसे शांत पानी में, निर्मल पानी में प्रतिबिंब साफ दिखाई पड़ता है, ऐसे ही शांत मन में, निर्मल मन में आत्मानुभव होगा, आत्मानुभूति होगी। हम आत्मा स्वयं है। आत्मा का अर्थ क्या है? आत्मा का अर्थ होता है स्वयं, सेल्फ। वो अलग नहीं कहीं आपसे। शब्द हमें कोई देना पड़ता है, किसी भी चीज को समझने के लिए, व्यवहार के लिए कुछ नाम रखना पड़ता है, कुछ नाम मतलब शब्द आएगा, किसी शब्द का प्रयोग तो करना होता है। जीव, जीव कौन? जीवतीति जीव, जो सदैव जीवित रहे उसका नाम जीव है। वो कौन? वो आप।
सब मरता है, आप नहीं मरोगे, आप सदैव जीवित रहोगे, इसलिए आप जीव हैं। जिसमें चेतना हो, जागृति हो, चेतन, तो चेतन किसमें है? मिट्टी पानी आग हवा में कि आप में? आप में चेतना है, अपनी जागृति है, इसलिए आप चेतन हैं। अब ईश्वर को, ब्रह्म को, परमात्मा को, खुदा को, गाड को किसके लिए पाना चाहते हैं? स्वयं के लिए। तो स्वयं कौन है? स्वयं किसे कहते हैं? आत्मा को। मैं आत्मा हूं, क्योंकि मैं आत्मा का अर्थ होता है स्वयं। तो मैं जो स्वयं आत्मा हूं, स्वयं जीव हूं, स्वयं चेतन हूं, स्वयं परमात्मा रूप हूं, तो इसका अनुभव क्यों नहीं होता है? क्यों हम अपने आप को भूल गए हैं? ये आत्मा साक्षात्कार कैसे होगा? आत्मानुभूति कैसे होगी? क्या बाधा है, अड़चन क्या है? गुरुजन बताते हैं कि तीन बाधाएं हैं, मल, विक्षेप और आवरण। मल विषयाशक्त, विक्षेप चित्त की चंचलता, आवरण अज्ञान अविद्या का पर्दा। विषय शक्ति, चित्त की चंचलता और अज्ञान का पर्दा, ये तीनों आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार करने में बाधक हैं। कैसे? इसको हम सरल उदाहरण से समझें। उदाहरण किसी बात को समझाने के लिए हुआ करते हैं, एक अंश में पकड़ना होता है। एक उदाहरण से समझें, मल, गंदगी, विकार। जैसे एक सरोवर है, स्वच्छ पानी भरा, एकदम निर्मल पानी, इतना निर्मल है पानी कि तलहटी दिखाई पड़ रही है 8-10-12 फीट की गहराई में, तल में पड़े हुई चीजें दिखाई पड़ रही है, ऐसा स्वच्छ पानी। कल्पना करो, जोरों की बरसात हुई, मूसलाधार बरसा, और उस मूसलाधार बरसा के पानी में गांव का, आसपास का सारा कीचड़, धूल, गर्दा, माटी, कचड़े सब बह करके उस सरोवर, तालाब के पानी में मिल गए। अब पानी गंदा हो गया, मटमैला हो गया। अब उस मटमैले पानी के पास आप जाकर खड़े हो तो क्या आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा? पानी चूंकि गंदा हो गया है तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। पानी में जब गंदगी नहीं मिली थी, पानी मटमैला गंदा नहीं हुआ था, तब प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा था। अब बरसा के पानी से तमाम गंदगी मिल गई, तालाब का पानी गंदा हो गया तो प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार जब तक हमारे मन में कुछ खाने पीने, देखने सुनने की आसक्ति है, भोग वासनाएं हैं, तो चित्त गंदा बना रहेगा, विषयाशक्ति बनी रहेगी। तो आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार नहीं होगा। और हर समय मन दौड़ता रहता है, ये देख लूं, ये सुन लूं, ये खा लूं, ये भोग लूं, ये पालूं, अमुक से मिल लूं, कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई इच्छा। तो ऐसे विषयाशक्ति से भरे मन में आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? जैसे आप चाहते हैं कि सरोवर का पानी स्वच्छ रहे, निर्मल, इसमें बाहर की गंदगी न मिलने पाए, तो आपको तालाब के चारों तरफ बांध बनाने पड़ेगी, मेड़ बनाने पड़ेगी, ताकि बाहर की गंदगी बह करके इसमें ना आए। ऐसे ही
चाहते हैं कि बाहर की गंदगी विषयों की आसक्ति मन में ना आए, तो बैराग की बांध, बैराग का बांध आपको बनाना होगा। बैराग की मेड़ बांधनी होगी आपको। बैराग का मतलब ये नहीं है कि आप खाली घर छोड़ दो, कपड़ा बदल लो। कपड़े में बैराग नहीं है, आश्रम में बैराग नहीं है। देखो हम लोग आश्रम में बैठे हैं, खो जाओ किसी कमरे में, कहीं बैराग वराग होगा तो थोड़ा ले आना, पकड़ लेना आप लोग। यहाँ कोई बैराग मिलेगा नहीं आपको, चाहे पूरे आश्रम में कहीं घुमाओ, कपड़ा में भी बैराग नहीं मिलेगा। बैराग है मन की अनाशक्ति, बैराग है मन की निष्काम दशा, खाएं आसक्ति रहित होकर, पिए आसक्ति रहित होकर, व्यवहार करें आसक्ति रहित होकर। जीवन निर्वाह के जितने धंधे हैं या जो मजबूरियां हैं, सबको निष्काम हो करके और अनासक्त हो करके सेवा करो, निष्काम हो करके। बदले में कुछ चाहो मत। एक होता है तन का भोग, एक होता है मन का भोग। मन के भोग में आसक्ति बनती है, काम वासना मन का भोग है, तन का भोग नहीं है। तन का भोग क्या है? भोजन, पानी, नींद, कपड़ा, ये तन के भोग। क्योंकि बिना भोजन किए, बिना पानी पिए आप जीवित नहीं रह सकते। क्या इसी प्रकार बिना काम भोग भी आप किए आप जीवित नहीं रह सकते? देखना कितने संत बैठे हुए हैं, पूर्ण त्यागी। यदि बिना काम वासना के आदमी जीवित नहीं रह सकता, तो ये संत कैसे जीवित हैं फिर? और आसक्ति इनकी बनती है, इसके लिए अधिक परेशान। तो तन का जो भोग है उसमें तो मजबूरी है। यदि पूर्ण निर्मलता चाहते हैं तो मन के भोग का पूरी की पूरी त्याग करना होगा। आशा तृष्णा मन का भोग, वासना मन का भोग, इनका पूरे त्याग, तरह से त्याग। और जो तन के भोग हैं, भूख प्यास आदि, इनमें आसक्ति रहित होकर दवाई की तरह प्रयोग करना। शरीर में बीमारी आती है, दवाई मजबूर होकर के खाना पड़ता है। दवाई चाहे कड़वी हो चाहे मीठी हो, कड़वी दवा के प्रति द्वेष नहीं होता, मीठी दवा के प्रति राग नहीं होता। संतुलित मात्रा में खाते हैं और भी मजबूर होकर के खाते हैं। ऐसे ही जीवन निर्वाह की जितनी चीजें हैं उनको संतुलित मात्रा में एक मजबूरी समझ करके ग्रहण करें, और जो व्यवहार है उसको निष्काम होकर के करें। सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है, सेवा करने से मेरा चित्त शुद्ध होगा, इस भाव से सेवा करें। इस भाव से सेवा ना करें कि समय से ये भी मेरी सेवा करेगा, कामना आ गई ना, और सेवा नहीं करेगा तो खींचेंगे, क्षोभ होगी, शिकायत होगी, दुखी होंगे। तो जो भी सेवा का काम है निष्काम भाव से कर्तव्य समझ करके करें, कामना ना रखें। और शरीर की जो मजबूरियां हैं, जिन भोगों को, जिन वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए हम मजबूर हैं, जिनके बिना शरीर नहीं चल सकता, उसमें अनासक्ति। जब अनासक्ति का बांध बन जाएगा तब बाहर की गंदगी नहीं आएगी, चित्त निर्मल रहेगा, हर समय आत्म भाव जागृत रहेगा। तो मल आत्मानुभव में पहली बाधा, विषयाशक्ति का त्याग करके जिए, निष्काम अनासक्त निष्प्रिय हो करके। दूसरी बाधा है विक्षेप, विक्षेप चंचलता। तालाब के पानी में बाहर की गंदगी तो नहीं आई, बरसा नहीं हुई, गंदगी नहीं मिली, पानी एकदम स्वच्छ है, लेकिन हवा चल रही है, लहरें उठ रही है, तरंगायित है पानी। अब पानी जब लहरों से हिल रहा है तो प्रतिबिंब साफ दिखाई कैसे पड़ेगा?
स्थिर प्रतिबिंब कैसे होगा? ऐसे ही हमारा चित्त चंचल है। एक बिंदु में हम ठहराना जानते नहीं, अभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं, कभी कुछ सोच रहे हैं। मैंने शुरू में कहा था, जिस समय जिसकी आवश्यकता नहीं है उस समय उन बातों को हमारा मन सोचता रहता है। आकाश पताल की बात, मुर्दाबाद, पता नहीं कहां कहां की बात, अनावश्यक बातों में उलझा हुआ है मन, तरंगायित है, चंचल है। तो चंचल मन में आत्मानुभूति कैसे होगी, आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? इसलिए शांत मन, ये समझना होगा, दुनिया के काम करनी है, व्यवहार के जो काम है वो करनी है, चिंतनी नहीं है। और हम करते कम है, चिंता ज्यादा कर, चिंता मतलब चिंतन, सोचना, विचारना ज्यादा करते हैं। चिंतनी, चिंतनी मतलब चिंतन करने योग्य, या चिंतनी का मतलब चिंता करने लगने। चिंता और चिंतन में अंतर है, चिंता तो कुछ भी नहीं करना, चिंतन करना है। चिंतनी, चिंतन करने योग्य, मनन करने योग्य यदि कोई है तो अपना स्वरूप भाव है। और व्यवहार के काम करनी है, करने लायक है, काम करो। अनावश्यक सोचते क्यों हो उसके बारे में बहुत ज्यादा? हाँ, योजना बनाना पड़ता है किसी काम के लिए, योजना, कोई काम, बड़ा काम करना है, योजना बना लो, लोगों से राय ले लो, ये तो जरूरी है। बिना योजना बनाए, बिना राय लिए काम करने से काम में सफलता नहीं मिलेगी, नुकसान भी हो जाएगा। इसलिए योजना बनाना भी आवश्यक है, राय लेना भी आवश्यक है। लेकिन अब हर समय उसी में मन को डुबा करके रखे रहो, क्या काम मतलब है? मकान बनाना है तो मकान बनाने के लिए पहले धीरे धीरे पैसे की व्यवस्था करो, फिर ईंट, बालू, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, ये सब इकट्ठे करते जाओ। फिर जो मकान बनाने वाले इंजीनियर हैं, कारीगर हैं, मजदूर हैं, उनसे संपर्क कर लो। अब मकान बनाना है साल भर बाद, अब अभी तो मन सोच रहे हैं हर समय कैसे बनेगा, मजदूर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिस्त्री बराबर काम करेगा कि नहीं करेगा, ईंट का दाम बहुत बढ़ जाएगा तो क्या होगा, क्या फायदा उससे आपका? अरे जब बनाना जरूरी तो जिस दाम में ईंट मिलेगी उस दाम में खरीदना, जिस दाम में सीमेंट मिलेगी उस दाम में खरीदना। खोजोगे तो अच्छे मिस्त्री मिलेंगे, अच्छे मजदूर मिलेंगे, अच्छे इंजीनियर मिलेंगे। अभी से चिंतन कर रहे हो उसके बारे में, डूबे रहे हो, क्या मतलब होता है? करते चलो जो कर सकते हो। तो दुनिया के काम करनी है, चिंतनी नहीं है। चिंतनी है आत्मविवेक, अपना स्वरूप भाव। और हम चिंतन सोचते हैं अनावश्यक उन चीजों के बारे में जो हमारे अधिकार में नहीं है। बूढ़ा हो जाएंगे तो सेवा कौन करेगा, बीमारी हो जाएगी तो सेवा कौन करेगा, बस चित्त संचल हो गया। क्या बिस्तर पर पड़े पड़े मरना चाहते हो कि ऐसा हो भगवान ऐसी कृपा करना कि 5 साल बिस्तर पर पड़े रहूं ताकि मेरे बाल बच्चों को सेवा करने का अवसर मिले, ऐसा सोचते हो क्या? ऐसा सोचोगे ना तो ये स्थिति जरूर आएगी, ये ख्याल रखना। यदि चाहते हो कि मेरे बाल बच्चे मेरे बुढ़ापा में सेवा करें तो खाट में पड़े पड़े मरोगे, इसके बारे में सोचो ही मत। ये क्यों नहीं सोचते कि चलते फिरते मर जाए, सेवा करने का अवसर ही नहीं आए, क्या करोगे सेवा लेकर के, क्या जरूरत है सेवा करवाने की? अच्छी बात सोचो, स्वस्थ रहने के बारे में सोचो, चलते फिरते शरीर छूट जाने के बारे में सोचो। जब तक जीवन तब तक आनंद से जियो ना। जो घटना भी आई ही नहीं है, जो दुर्दशा भी आई ही नहीं है, जो बीमारी भी आई ही नहीं है, उसके बारे में सोच सोच कर दिमाग को खराब क्यों करते हो? अनावश्यक बारे में सोच रहे हो, कहते रहता है आत्मा में मन नहीं लगता, कैसे लगेगा? दिमाग को चंचल बना करके रखे हुए हो तो विक्षेप,
चित्त की चंचलता, हर समय हमारा चित्त तरंगायित बना हुआ है, लहरें पर लहरें, लहरें पर लहरें उठ रही है मन में, विकारों की लहर और पता नहीं किस किस की लहर। तो आत्म साक्षात्कार, आत्मानुभूति नहीं होना है, इसके लिए इसको दूर करो। ये दूर कैसे होगी? सेवा के माध्यम से, भक्ति द्वारा। भक्ति और सेवा अलग अलग नहीं है। भक्ति समर्पण भाव, संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, कल्याण के प्रति समर्पण भाव। सेवा, सेवा से ही चित्त शुद्ध होगा, भक्ति से ही चित्त शुद्ध होगा, तब आत्म विवेक जागृत होगा, आत्म साक्षात्कार होगा। तीसरी बाधा है आवरण। वर्षा नहीं हुई, बाहरी गंदगी पानी में नहीं मिली, पानी निर्मल है, हवा भी नहीं चल रही है, लहरें भी नहीं उठ रही है, लेकिन आवरण है, सवाल की परत जमी हुई है पानी पर, काई की परत जमी हुई है पानी पर। देखा हो कहीं कहीं पानी स्वच्छ तो रहता है, लेकिन सवाल की परत जमी होती है काई। अब जब काई ऊपर छाई हुई है तो वहां जाकर हम खड़े होंगे तो हमारा प्रतिबिंब दिखाई कैसे पड़ेगा? काई हम हटाएंगे हाथों से, पानी दिखे निर्मल, और जैसे हाथ हम अलग किए फिर काई आकर के छा गई, तो प्रतिबिंब नहीं होगा। ये काई क्या है? आवरण, देहाभिमान का आवरण। मैं शरीर हूं, ये भाव जब तक बना रहेगा और शरीर के सुख दुख को लेकर के मन उद्वेगित बना रहेगा, शरीर के प्रति मान सम्मान की भावना होगी, मेरा नाम फैले, किसका नाम फैलेगा? बहुत से संत इस बात को लेकर दुखी रहते हैं, क्या करें महाराज, हमें कोई जानता नहीं है, क्या करोगे जना करके। एक जगह एक कार्यक्रम, एक महात्मा आए थे, प्रवचन के दरमियान उन्होंने कहा, यहाँ के पंपलेट में तो मेरा नाम छपा नहीं है लेकिन मैं भी आ गया हूँ। इस बात को लेकर बड़े दुखी थे वे कि पंपलेट उनका नाम नहीं छपा। अकेले में मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, साहब आपका नाम क्या है? आप तो शुद्ध बुद्ध आत्मा है, आपका नाम क्या है? आपको, आप तो आत्मा है, तो अमुक आत्मा आने वाले हैं, क्या ये छपाना चाहते हैं पंपलेट में? नाम तो शरीर का होता है ना। आप कहते हैं मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, तो नाम तो इनका होता है, फिर आपका नाम कैसे छपेगा? कौन नाम आपका बताइए तो? अब बेचारे चुप, आपका नाम क्या है जो फैलेगा? जीव का तो कोई नाम नहीं है, नाम तो शरीर का होता है, और हमारा नाम पंपलेट छपने छपा, हम बहुत दुखी। इसका मतलब भयंकर देहाभिमान अभी है, हम मान रहे हैं कि मैं शरीर ही हूं, इसलिए कह रहे हो ना कि मेरा नाम नहीं अब छपा है। हम चाहते हैं सब तरफ हमारा नाम फैल जाए। क्या आपका नाम है जो फैलेगा? नाम तो शरीर का है ना, और आप शरीर नहीं हो, तो जब आप शरीर नहीं हो तो शरीर के नाम को फैलाने के लिए इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? और हमारा नाम फैले इसके लिए कितना कितना षड्यंत्र, कितनी कितनी चालबाजी, और कितना कितना पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये देहाभिमान जब तक रहेगा, देह के नाम रूप के प्रति जब तक अहम बुद्धि होगी रहेगी, मैं बुद्धि रहेगी, तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। और ये आवरण बहुत गहरा है, बहुत गहरा आवरण है, बहुत मोटा आवरण है। ये शरीर है, हमारे ही पाप से हमारा शरीर बना हुआ है। यदि हम पाप न किए होते पूर्व जन्मों में, हम पापी हैं। पहचान क्या है? कि शरीर में है। पापी ना होते शरीर में क्यों आते? फिर मुक्त ना हो गए होते? क्या हम इस अपने पाप को समझ पाते हैं? क्या आज उस पाप को दूर करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, साधना का काम कर रहे हैं? करते भी हैं तो क्या साधना में मन लगता है? पापी मन साधना में लगेगा कैसे? और पाप का मूल कारण क्या है? मैं शरीर हूं, शरीर मेरा स्वरूप है, ये भाव, ये सोचना, ये बुद्धि सबसे बड़ा पाप। इसीलिए किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है।
सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। देहाभिमान सबसे बड़ा पाप, और इस पाप को रख करके कभी आत्मानुभूति नहीं हो सकेगी, आत्मा साक्षात्कार का काम नहीं हो सकेगा। इसके लिए चाहिए स्वरूप ज्ञान, निरंतर देह को हर समय मृत्यु के मुख में देखते रहना। कभी भी ये शरीर मृत्यु के मुख में जा सकता है, और हकीकत है ये, कोई समय निर्धारित थोड़े हैं कि इतना समय हम जिएंगे। हर समय शरीर को मृत्यु के मुख में देखते रहना, और ये समझना शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, मेरी मौत नहीं होगी, मैं जिससे बिल्कुल अलग, जैसे मकान में रहने वाला मकान नहीं हो जाता, मकान मालिक और मकान दोनों अलग अलग, वहां तो हम समझते हैं, मकान में रहते हुए हमारे मन में ये भाव बना रहता है कि मैं मकान में भले रहता हूं लेकिन मैं मकान नहीं हूं, लेकिन ये भाव शरीर के प्रति नहीं बन पाता। मैं शरीर में भले रह रहा हूं लेकिन मैं शरीर में नहीं हूं, क्यों? इसलिए कि अनादिकाल की दुनिया में कभी कोई ऐसा समय नहीं रहा है जब हम शरीर से मुक्त होकर के रहे हूं। हर समय हम शरीर में रहे हैं, हमारा निवास शरीर में होता रहा, ये शरीर छूटा गर्भ में चले गए फिर वहां नए शरीर बन गया, वो शरीर छूटा फिर गर्भ में चले गए फिर नए शरीर बन गया, कभी ऐसा समय नहीं रहा है जब हम शरीर से अलग रहे हों। यदि शरीर से अलग हो गए होते तो आज शरीर में क्यों रहते फिर? तो शरीर अनादिकाल से शरीर में रहते रहते इतनी तदात्मता हो गई इसके प्रति, इतनी एक रूपता हो गई है कि मैं शरीर से अलग हूँ, ये भाव मन में बैठता नहीं है, किंतु ये भाव बैठा हुआ है कि मैं ही शरीर हूँ, मैं शरीर ही हूँ। जब तक ये भाव बना रहेगा तब तक आत्मानुभूति, आत्मा साक्षात्कार नहीं हो सकता है। इसके लिए चाहिए पूर्ण स्वरूप ज्ञान, पूर्ण स्वरूप विवेक, हर समय सोचते रहना होगा मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मिट्टी पानी आग से बना हुआ है, कभी मृत्यु के मुख में चले जाए, मैं तो अजर अमर शुद्ध बुद्ध हूं। निरंतर ये जागृति जब बनी रहेगी तब धीरे धीरे विवेक विचार संयम साधना द्वारा ये अविद्या का आवरण, देहाभिमान का आवरण जब दूर होगा तब आत्म साक्षात्कार हो पाएगा, हम अपने आप से हमारी मुलाकात हो पाएगी। मल विक्षेप आवरण, ये तीन बाधा हैं आत्मानुभूति में, आत्म साक्षात्कार में, मल विषया शक्ति, विक्षेप चित्त की चंचलता, आवरण देहाभिमान स्वरूप का अज्ञान, वैराग्य भक्ति और ज्ञान। वैराग से विषया शक्ति दूर होगी, वैराग मतलब अनाशक्ति, सेवा और भक्ति से चंचलता दूर होगी, और स्वरूप ज्ञान से देहाभिमान का आवरण दूर होगा, फिर आत्मानुभूति होगी। ये काम, ये बात हम लोग समझने लायक है, और समझ करके आज ही ये काम करने के लिए हमें तत्पर होना होगा। बस अहम इतराओ मन बावरे, मत इतराओ मन बावरे, एक दिन सब मिट जाना है। मत इतराओ मन बावरे, एक दिन सब मिट जाना है। आए जिस दिन प्रभु की पुकार, आए जिस दिन प्रभु की पुकार, हमें
जग छोड़ के जाना है। मत इतराओ मन बावरे।